गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत। मैं दिवाकर प्रसाद, आनंद इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक बोल रहा हूँ। आज आप लोगों को नए शैक्षणिक सत्र में पाठ 1 संधि प्रकरण व संयोग प्रकरण के बारे में बतलाएंगे। संयोग जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संयोग कहते हैं। संयोग का अर्थ होता है मिलना। संयोग की निम्नलिखित विशेषताएं होती है जो नीचे बताई जा रही है, आप लोग देखेंगे। नंबर 1, संयोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा नंबर, संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है, यानी जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं, जैसे पठे तुम जोर इच्छति, पठे तू मिच्छति, यानी म और म हलंत जोर ई मिलकर के म दीर्घिकार हुआ, जो कि यहाँ देख रहे हो। इसी तरह धनम जोर इच्छन्ति, धन मिच्छन्ति में म हलंत जोर ई म हर्षिकार मी हुआ, महत जोर त्वम, ताहलंत जोर ताहलंत यानी डबल त, महत्वम, तत् जोर त्वम, तत्त्वम, अनुजोर उपस्थित, अनुपस्थिता, अनु का हर्षऊकार प्लस हर्षऊकार, देख रहे हैं कि अनुपस्थित हुआ। निर्भिमान, निर्जोर अभिमान। संधि, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना। संस्कृत भाषा में 3 संधियां होती है, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला, दीर्घ संधि, यानी एक सूत्र है अकार स्वर्णे दीर्घ, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। आ दीर्घई, दीर्घउ दीर्घ है, दीर्घ का मतलब बड़ा। आ जोर आ बराबर आ, आ जोर आ बराबर आ, आ जोर आ बराबर आ, आ जोर आ बराबर आ। इसी तरह हर्षई जोर हर्षई बराबर दीर्घई, हर्षऊ जोर हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, हर्षऊ जोर दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, हर्षऊ दीर्घऊ जोर ऊ बराबर दीर्घऊ। उदाहरण के स्वरूप, अधि जोर ईश्वर अधिस्वर, नदी जोर दीर्घई स नदी स। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? दूसरा क्वेश्चन, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तीसरा, संधि कीजिए। शिव जोर आलय बराबर मनु जोर उत्सर्ग, रेखा जोर अंश, गिरी जोर इंद्र, परम जोर अर्थ,
सर्वजोर आधार, महाजोर आलाप, परिजोर इच्छा, कफीजोर इस। आप लोग इस होमवर्क को अवश्य बनाएंगे, बाद में चेक भी करेंगे। हैव ए नाइस डे।